हेलो स्टूडेंट स्टूडेंट, हम लोग ये फर्स्ट लेक्चर डीएलएड फर्स्ट लेक्चर ऑफ डीएलएड सेकंड सेमेस्टर, ओके, डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का ये फर्स्ट लेक्चर है। और इसमें जो पहला चैप्टर है, फर्स्ट लेक्चर और पहला चैप्टर कौन सा, सेकंड सेमेस्टर है, सेकंड सेमेस्टर का मैथ सब्जेक्ट क्या है, मैथ का फर्स्ट चैप्टर क्या है, तीन संख्याओं का थोड़ा सा इसको इस टर्म को ही हटा देते हैं, ओके। है क्या, पढ़ना क्या है हम लोगों को इसमें, समाप्त वर्तक, समापवर्त, लघुत्तम समापवर्त, या इसको ऐसे बोल सकते हैं समापवर्त एलसीएम इसके रेस्पेक्ट में, और समापवर्तक मींस एचसीएफ या जीसीडी। क्या पढ़ना है हम लोगों को, समापवर्तक पढ़ना है, उसके रेस्पेक्ट में क्या पढ़ना है, एचसीएफ पढ़ना है, समापवर्त पढ़ना है, उसके रेस्पेक्ट में क्या पढ़ना है, एलसीएम पढ़ना है। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, अर्थात लघुत्तम समापवर्त। और समापवर्तक मींस डिवाइजर, तो ये क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक है और ये लघुत्तम समापवर्त है। इसको हम लोग जो है एक क्लास में डिस्कस भी किए थे कि वर्तक और वर्त में थोड़ा सा डिफरेंस है ना, कि दोनों जगह पे समापवर्तक नहीं है, एक जगह पे लघुत्तम समापवर्त है और एक जगह पे महत्तम समापवर्तक है। तो इसको देखने से पहले हम लोग कुछ बेसिक बाकायदा सही से सिस्टमैटिक से सारे नोट्स जो है बनाना है, ओके। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ हम लोग बेसिक चीजें देखते हैं। सबसे पहले क्या देखेंगे हम लोग, अभाज्य संख्या। क्या देखेंगे सबसे पहले, अभाज्य संख्या। स्टार्टिंग करने से सबसे पहले क्या देखेंगे हम लोग, अभाज्य संख्या। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या बोलेंगे इसको, प्राइम नंबर। क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर। ये प्राइम नंबर होती क्या है, एक ऐसी संख्या होती है, ऐसी संख्या संख्या जो केवल एक तथा स्वयं से विभाजित हो। क्या हो, एक तथा स्वयं से विभाजित हो, उसको क्या बोलेंगे हम, प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या। अब यहां पे एग्जांपल में क्या क्या लिखेंगे, दो, एक को नहीं हम लिखेंगे, दो, तीन, पांच, सात, ग्यारह, तेरह, सत्रह, उन्नीस, इस तरीके से एंड सो ऑन। ऐसी संख्याएं जो एक से और स्वयं से विभाजित हो, उनको क्या बोलेंगे हम, प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या। इसके अलावा भी और बहुत सारी संख्या है। भाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जो किसी एक के अलावा, स्वयं एक और स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या से कट जाए, उसको बोलेंगे भाज्य संख्या या डिविजिबल नंबर, ओके। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं, बात करते हैं, और इसे लास्ट वाले चैप्टर में, सॉरी, इसे लास्ट वाले जो है लेक्चर में हम लोग किसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं, हम लोग अपवर्त के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं, अपवर्तक के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है इसको जरा फिर से देख लेते हैं, अपवर्त। अपवर्त इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मल्टीपल। क्या बोलते हैं, मल्टीपल। क्या बोलते हैं, मल्टीपल।
और इस अपवर्त को एक और टर्म से यूज किया जाता है जिसको बोलते हैं गुणज। क्या बोलते हैं? गुणज। क्या बोलते हैं? गुणज। ओके, तो गुणज होता क्या है? गुणज क्या होता है, अगर हमको सिक्स लिखना है या हमको दो लिखना है, क्या लिखना है? दो। तो जो दो के जो गुणज होंगे तो क्या होंगे? दो होगा, चार होगा, छह होगा, आठ होगा, दस होगा, इस तरीके से होंगे। ये सब के सब क्या है? गुणज हैं। मतलब कि वे संख्याएं या वह संख्या जो दी हुई संख्या से विभाजित हो जाए, वह संख्या, अगर किसी भी संख्या का गुणज, किसी भी संख्या का गुणज, ये संख्या इसके जो गुणज होंगे, किसी भी संख्या के गुणज जो हो उस संख्या से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए, गुणज विभाजित हो जाए, तो उनको क्या बोलेंगे? इस संख्या का गुणज बोलेंगे। ओके, अब यहाँ पे आती है बात, गुणज बोलेंगे या अपवर्त बोलेंगे। अब इसके बाद बात आती है कि ये समापवर्त क्या होता है। ये तो गुणज की बात हो गई, अब इसके बाद क्या है? समापवर्त। समापवर्त क्या होता है? अब समापवर्त में क्या है, दो संख्या लेंगे। क्या लेंगे? दो संख्या। अभी तक केवल जब अपवर्त वाली बात थी तो वहां पे एक संख्या से हमने काम चलाया, एक पे ही डिस्कशन था, लेकिन जहां पे हमने इसे लास्ट वाले लेक्चर पे हमने बोला था, अगर समापवर्त आ जाए, सम आ जाए यहाँ पे, तो इसका मतलब होता है इंग्लिश में कॉमन मल्टीपल। क्या होता है? कॉमन मल्टीपल। ओके, क्या होता है? कॉमन मल्टीपल। जब कभी भी कॉमन वाली बात आएगी तो क्या होगा? दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक। तो जब समापवर्त वाली बात आएगी तो वहां पे होगा कि दो या दो से अधिक संख्या दी हुई संख्या से विभाजित हो जाए। क्या होगा? दो या दो से अधिक। सबसे पहले समापवर्त में क्या है? दो या दो से अधिक संख्याएं, दी हुई संख्या जो है, दो या दो से अधिक संख्या दी हुई संख्या से विभाजित हो जाए, तब बोलेंगे उसको कॉमन मल्टीपल। जैसे अगर हमने यहाँ पे ले लिया चार और फिर ले लिया छह, हमने क्या किया? चार के हमें कुछ मल्टीपल लिखे, तो कितना हो गया? चार हो गया, आठ हो गया, और कितना हो गया? बारह हो गया, और सोलह हो गया, फिर अठारह हो गया, इस तरीके से हो गया। छह के लिखे, छह हो गया, बारह हो गया, अठारह हो गया। अब यहाँ पे क्या है? बारह, ये तो बारह क्या है? बारह क्या है? कॉमन मल्टीपल। बारह क्या है? छह और चार का पहला कॉमन मल्टीपल। फिर उसके बाद क्या है? अठारह है। अठारह क्या है? कॉमा लगा करके। अठारह क्या है? छह और चार का अठारह नहीं होगा, यहाँ पे चार चौक सोलह के बाद हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा चार चौक सोलह, चार पंचे बीस, और बीस और आगे लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना होगा? 24 हो जाएगा, तो 24 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना होगा? 18 नहीं होगा, कितना हो जाएगा? 24। तो इस तरीके से क्या है, पहला जो कॉमन मल्टीपल क्या होगा? 12 होगा। दूसरा कॉमन मल्टीपल क्या है? 24 होगा। फिर से देख लेते हैं, चार चार दुनिया आठ, चार तीन बारह, चार चौ सोलह, चार पंच बीस, चार संग चौबीस, छह कम छह, छह दुन बारह, छत्रों को अठारह, छह चौक चौबीस। ओके, तो क्या है? छह, पहला क्या है? 12 मिला। दूसरा क्या है? 24 मिला। तो पहला ये क्या है? पहला ये कॉमन मल्टीपल है, दूसरा ये कॉमन मल्टीपल है, इसके आगे तीसरा, आगे क्या करेंगे हम लोग? सर्च करते जाएंगे, लिखते जाएंगे, जिस हिसाब से आगे बढ़ते जाएंगे हमको क्या है, इसके कॉमन मल्टीपल मिलते हुए चले जाएंगे। ओके, अब इसके आगे हम लोग देखते हैं, ये तो था कॉमन मल्टीपल की बात। तो कॉमन मल्टीपल यहां से क्या हुआ, दो या दो से अधिक दी हुई संख्या अगर है तो जो कॉमन मल्टीपल होगा वे संख्याएं दो या दो से अधिक या जितनी भी संख्याएं दी हुई है, अगर एक की बात कही जाए, वे संख्या या वह संख्या या वे संख्याएं जो दो या दो से अधिक संख्याओं से दी हुई, दो या दो से अधिक संख्याओं से क्या है? विभाजित हो जाए। ये क्या है? दो या और कोई संख्या दे दे। फिर से सुनना ध्यान से, समापवर्त क्या होता है? दो या दो से अधिक दी हुई संख्याओं से कोई भी संख्याएं या ऐसी संख्याएं, कई तरह से लिख सकते हैं, सोचना है ध्यान से बस और सुनना है, ऐसी संख्याएं, यहां पे दो या दो से अधिक नहीं लिखेंगे, ऐसी संख्याएं जो दो या दो से अधिक संख्याओं से विभाजित हो जाएं, जो दो या दो से अधिक संख्याओं से विभाजित हो जाएं, तो उन संख्याओं को क्या बोलेंगे?
तो उन संख्याओं को क्या बोलेंगे हम, कॉमन मल्टीपल। यहां पे ये है संख्या, इनको कॉमन मल्टीपल बोलेंगे। तो कॉमन मल्टीपल समापवर्त में क्या लिखेंगे हम, अगर लिखे हैं समापवर्त में क्या लिखेंगे हम, ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो जो दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक संख्याओं से विभाजित हो जाए। ओके, ये ध्यान से लिखना है परिभाषा को, डिफिनेशन को नोट भी करना है कॉपी पे। तो समापवर्त क्या है, ऐसी संख्याएं, संख्या नहीं है, संख्या भी हो सकती है, संख्याएं भी हो सकता है, ठीक। तो इसको ध्यान रखना, ये समय के हिसाब से बदलता रहेगा। अगर आगे हमको नहीं मिल रही है, आगे बहुत आगे तक जाना है, तो एक मिल गया। ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्या जो दो या दो से अधिक संख्या, यहां पे ध्यान रखना, जो दो या दो से अधिक संख्याओं से विभाजित हो जाए तो उनको बोलेंगे क्या हम, समापवर्त। अब इसके आगे बात आती है कि लघुत्तम समापवर्त क्या होता है, किसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग, लघुत्तम समापवर्त। लघुत्तम समापवर्त, समापवर्त इसको क्या लिखेंगे हम लोग, एलसीएम। क्या लिखेंगे, एलसीएम। एलसीएम का मतलब क्या है, लीस्ट कॉमन, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या लिखेंगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है, वही छोटी छोटी परिभाषा ध्यान दे, परिभाषा डिफिनीशन में क्या लिखेंगे हम, वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से, दी हुई संख्याओं से, दी हुई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ओके, विभाजित हो जाए। अब ध्यान देना क्या परिभाषा है, वह छोटी छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। जैसे ध्यान से देखना, जैसे यहां पे हमने लिखा कि एक संख्या है दो, क्या है, एक है दो, दूसरी है छह, एक है दो दूसरी है छह, तो वह कौन सी संख्या होगी जो दोनों से विभाजित हो जाए, कौन सी होगी। अब जरा ध्यान से देखते हैं, हमने क्या लिखा, दो का मल्टीपल लिखा, दो का मल्टीपल लिखा तो कितना हो गया, एक और दो। ओके, छह के मल्टीपल में लिखे तो छह के, अगर हम इसको छह को तोड़ दें, या फिर से ऐसे देखें इसको हम कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, दो हमने लिखा, दो को हमने लिखा तो कितना लिख दिया, दो, या केवल दो लिख दिया, छह को लिखा हमने तो कितना लिखा, दो और छह। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जो है लासा हम कैसे निकालेंगे, उसके अभी हम जो है नियम भी थोड़ा सा देख लेते हैं। अब यहां पे क्या है, कॉमन मल्टीपल केवल कितना मिल रहा, दो, कितना मिल रहा, कॉमन मल्टीपल दो। अब यहां पे क्या है, कुछ नहीं है, तो इस यहां पे कुछ नहीं है, इसको छोड़ करके यहां बचा कितना है, तीन, तो कितना हो जाएगा, छह। ये क्या है, छह जो है सिक्स एक ऐसी नंबर है, छोटी से छोटी, इससे छोटी कोई नहीं जो दोनों से डिवाइड हो जाए। इससे छोटी अगर हम लेते पांच, नहीं होगी, चार नहीं होगी, दो, खत्म, ठीक। तो क्या है, दो और छह का लासा कितना होगा, छह होगा। अब इसके आगे देखते हैं कि कुछ नियम देख लेंगे, लासा निकालने के दो नियम हैं, क्या है, लासा निकालने के दो नियम हैं, एलसीएम फाइंड आउट करने के कितने हैं, दो नियम हैं, कितने नियम हैं, दो नियम हैं। पहला नियम क्या है, पहला नियम क्या है, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। दूसरा क्या है, भाग विधि, दूसरा क्या है, भाग विधि, दूसरा क्या है, भाग विधि, भाग
ये भाग विधि, दोनों को देख लेते हैं हम एक एक करके, एग्जाम्पल कर लेंगे, फिर आप लोग जो है कुछ एक्सरसाइज कर लेना, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। दो दिन में, दो लेक्चर में चैप्टर कंप्लीट। सबसे पहले देखते हैं पहला अभाज्य, प्राइम फैक्टर। पहला क्या है? अभाज्य, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड विधि। इसमें करते क्या है, एक नंबर लिखते हैं 12 और दूसरी लिखते हैं 16। क्या लिखते हैं? एक 12 और एक 16। क्या लिखा हमने? एक 12 लिखी और दूसरी 16 लिखी। अब इसमें करते क्या, जरा ध्यान से देखना क्या करते हैं, कि जो 12 लिखी है उसको क्या करेंगे हम, प्राइम फैक्टर में अभाज्य गुणनखंड में तोड़ देंगे, दो तीन, दो तीन तीन, दो तीन तीन। अब इसको हम लिख क्या सकते हैं, हम लोग दो गुणित तीन स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं? दो गुणित तीन स्क्वायर। 16 को लिखते हैं दो दो दो, जब तक पहले वाले अभाज्य गुणनखंड से नहीं टूटेगा, जब तक उसके अभाज्य गुणनखंड होते जाएंगे। ये नहीं इसको हम चार तीन बार नहीं लिखेंगे या चार चौक 16 नहीं लिखेंगे, दो तीन तीन। एक मिनट, यहां पे गलत हो रहा है ना, यहां पे थोड़ा सा ऊपर वाले में गलत हो रहा है, इसको जरा ध्यान से देखना। यहां पे दो गुणित दो होगा ऐसे, अब सही है, तो ये हो जाएगा दो स्क्वायर इंटू तीन। ठीक, इस तरीके से लिख लिया। अब क्या किया, इसको लिखा हमने, तो दो गुणित दो गुणित दो गुणित दो, तो कितना हो गया, दो गुणित चार। ध्यान से देखना इन दोनों को क्या करेंगे, कैसे हम करेंगे, इन दोनों को ध्यान से देखते हैं। ध्यान से देखने के बाद जो भी ज्यादा है प्राइम में, यहां पर भी दो है, यहां पर भी दो है, ओके, यहां पर भी दो, यहां पर भी दो, यहां दो लिखा घात, यहां पर चार लिखा, जो घात ज्यादा होगी उसको नोट कर लेंगे इनटू, ओके। फिर उसके बाद क्या करेंगे, तीन यहां नहीं लिखा, जो ज्यादा है यहां है नहीं, यहां है, तीन लिख लिया, तो कर दिया 16 गुणित तीन, कितना हो गया 48, कितना हो गया 48, ओके। तो ये क्या है 48, क्या है इसका लासा हो जाएगा। फिर से ध्यान देना, जितने भी दिए हुए हैं नंबर्स, उनको प्राइम फैक्टर में या अभाज्य गुणनखंड में तोड़ते हैं, तोड़ने के बाद क्या करते हैं, उनको घातों में कन्वर्ट कर लेते हैं, और जो भी घात सबसे ज्यादा होती है कॉमन में, जो भी बेस बारह जैसे दो है या तीन है, किसी की भी है, जो सबसे ज्यादा होगी उसको रख लेंगे, फिर उसके बाद इसको रख लेंगे जो बचा हुआ है। ठीक, एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। एक है, एक हमने लिखा 24, ओके, एक क्या लिखा 24 और एक क्या लिखा 36। ध्यान से करना, क्या किया इसको, दो गुणित दो गुणित दो गुणित तीन, दो दुनी चार तीन बारह, दो दुनी चार दुनी आठ त्रुक 24। इसको थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं 36 को। अब इसको क्या लिख सकते हैं, दो की घात तीन इंटू थ्री, इसको लिखें दो गुणित दो और तीन गुणित तीन, दो दुनी चार तीन बारह तीन 36। इसको कितना लिख सकते हैं, टू स्क्वायर, इसको कितना लिख सकते हैं, थ्री स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखना, यहां पे हाईएस्ट पावर कितनी है, दो, यहां कितनी है, दो, ध्यान से देखना, यहां पे कितनी है, तीन, यहां पे कितनी है, दो, तो हम लासा निकालते टाइम कितना लिखेंगे, दो की घात तीन, ओके, अभी जो बताया था। फिर इसका क्या लिखा, यहां पे तीन घात एक लिखा, यहां पे तीन घात दो लिखा, तो क्या लिखेंगे हम, तीन घात दो, तो कितना हो जाएगा ये, कितना हो जाएगा ये आठ और ये कितना हो जाएगा नौ, नौ अठी 72, आंसर कितना हो जाएगा 72। 24 और 36 का लासा लघुत्तम समापवर्त तक 72, यानी कि 72, ओके। इसके आगे ये बस खत्म हो गया, कल और कुछ एक लेक्चर में हम लोग दो लेक्चर लेंगे इस चैप्टर के,
और ये खत्म हो जाएगा, आज ये बेसिक और कल एक दिन और। ओके, अब क्या करेंगे हम लोग, अपवर्तक देख लेते हैं जरा, अपवर्तक के बारे में। अपवर्तक में क्या होगा, यह है अपवर्तक, अपवर्तक इसको क्या बोलेंगे हम, फैक्टर, इसको क्या बोलेंगे हम, फैक्टर मतलब या डिवाइजर। और जो डिवाइजर होता है वो क्या होता है, एक ऐसी संख्या होती है, जैसे हमने क्या किया, आठ है लिया, इसके डिवाइजर कौन कौन से होंगे, ये हो जाएंगे, वे संख्याएं जो दी हुई संख्या को विभाजित कर दें उसको बोलेंगे हम अपवर्तक या फैक्टर बोलेंगे। समापवर्तक क्या होता है, समापवर्तक, समापवर्तक यहां पे आएगा, समापवर्तक, समापवर्तक में क्या होगा, यहां पे क्या होगा, कॉमन फैक्टर होगा या कॉमन डिवाइजर होगा, कॉमन फैक्टर या कॉमन डिवाइजर, कॉमन डिवाइजर किसका किसका होगा, कोई दो संख्या होंगी, दो या दो से अधिक संख्या होगी, जैसे लिख लिया छह, एक लिख लिया आठ, छह के फैक्टर किए दो और तीन, और ये छह, आठ के लिखे दो चार आठ, दो चार आठ। अब यहां पे क्या है, ये कॉमन फैक्टर है, वे संख्याएं जो दी, वे संख्याएं जो दो या दो से अधिक संख्याओं को विभाजित कर दें, या वह संख्या जो दी हुई, वह संख्या जो दी हुई दो या दो से अधिक संख्याओं को विभाजित कर दें उसको बोलेंगे हम कॉमन फैक्टर बोलेंगे। ओके, अब यहां पे महत्तम समापवर्तक वाली क्या बात होगी, महत्तम समापवर्तक, महत्तम इसको बोलते हैं HCF या इसको बोलते हैं GCD, HCF भी बोलते हैं और GCD भी बोलते हैं, और इसको बोलते हैं मासा या महत्तम समापवर्तक, वह संख्या। अब यहां पे क्या होगी, मासा में क्या होगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या, कैसी, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्या को, दी हुई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे, विभाजित कर दे। ओके, जैसे देख लेते हैं, जैसे एग्जांपल, जैसे लिखा है दो और यहां पे लिखा है दो नहीं, और चेंज कर देते हैं, यहां लिखा है छह, यहां पे लिखा है आठ, इसके फैक्टर करते हैं, तो इसके जब फैक्टर करेंगे तो कितना होगा, दो तीन और छह, इसके फैक्टर करेंगे कितना होगा, दो चार आठ। अब कॉमन जो फैक्टर हो रहे हैं क्या है, एक ये हो रहा है और कोई कॉमन, कॉमन से ही हमको जो है सबसे बड़ा निकालना है, तो कॉमन में से ही जो सबसे बड़ा निकालना है, तो यहां पे क्या है, केवल यही हो जाएगा, तो यहां पे जो है मासा कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, दो आ जाएगा, कितना आ जाएगा मासा, दो आ जाएगा। बस इसको यहीं पे खत्म करते हैं, कुछ क्वेश्चन दे देते हैं एक्सरसाइज के लिए, उनको आप लोग जो है राइट डाउन करना और करके लाना। ओके, क्वेश्चन नोट करिए, सबसे पहला क्वेश्चन, हंड्रेड, सौ, 98, 77, इसका निकालना है लासा। ओके, क्या निकालना है, लासा। और दूसरा क्वेश्चन, 36, 24, 20 का क्या करना है, इसका भी लासा निकालना है। ओके, नेक्स्ट, समापवर्तक की परिभाषा, समापवर्तक की
परिभाषा, चौथा लघुत्तम समापवर्तक की परिभाषा उदाहरण सहित एग्जाम्पल विद एग्जाम्पल, इतना करना है। इन चार क्वेश्चनों को एक क्वेश्चन और बढ़ा देते हैं, पांचवा महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक की परिभाषा, ये इतने क्वेश्चन करने हैं और एक लेक्चर इसमें और रहेगा और फिर उसके बाद जो है ये लासा और मासा का जो है ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, और तब तक इसको जो है सही से करना, राइट डाउन करना, और कोई भी प्रॉब्लम हो उसको जो है कमेंट बॉक्स में लिख देना या ग्रुप में जो है शेयर कर देना कोई भी प्रॉब्लम हो। ओके, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू।